शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है के स्लोगन के साथ नर्सिंग स्टाफ के द्वारा हड़ताल कर दी गई। सुबह सवेरे से ही जिला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर दी गई। साथ ही सरकार को यह चेतावनी भी दी गई कि उनकी मांगें पूरी की जाएं, नहीं तो वे हड़ताल जारी रखेंगी। मालूम हो कि विभिन्न मांगों को लेकर के नर्सिंग स्टाफ अब मैदान में है। मालूम हो कि कोविड-19 के मामले में नर्सिंग स्टाफ के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया, यही कारण रहा कि लोगों को बचाया जा सका। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश के आह्वान पर अब हड़ताल पर है और इस नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे लगातार हड़ताल करेंगी। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो, शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है के साथ अनेक स्लोगन के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ के द्वारा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से अपनी मांगों को माने जाने की मांग की गई। बहुत पुरानी है, कई विगत वर्षों से हैं, जिनका ध्यान हम शासन की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे हमारा सेकंड पे ग्रेड, बाकी स्टेट में सभी नर्सेस को सेकंड पे ग्रेड मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एमपी में है जो हमारा पे ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा एमपी का भी पे ग्रेड सेकंड किया जाए, और जो कोरोना काल में जो स्टाफ नर्सेस वायदे किए गए थे देने के, वो उनको पूरा दिया जाए, और जो कोरोना काल में जिन की डेथ हो गई है उनके घर वालों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, जिनमें मेल नर्सिंग की है उन मेल नर्सों को भी नियुक्ति दी जाए, और हमारी जो पेंशन बंद हो गई है हमारी जूनियर बहनों की, उनकी पेंशन चालू की जाए ताकि उनके परिवार का, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अभी 24 घंटे हमने इमरजेंसी सेवा देने की योजना बनाई है ताकि किसी की भी जान की हानि ना हो, लेकिन सरकार अगर 24 घंटे में नहीं मानती है तो हम लोग सभी सिस्टरें पूरी तौर से बाहर निकल जाएंगी और इमरजेंसी सेवा भी बहाल हो जाएंगी हमारी तरफ। जैसे कि सभी नर्सेस बहनें हमारी फ्रंट लाइन वर्कर की तरह कोविड में अपनी जान की बाजी लगा के काम की है, पर सरकार जो हमारे प्रशासन है, जो हमारे मामा जी कहलाते हैं, उन्होंने आज तक हमारी सुध नहीं ली है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें सेकेंड ग्रेड दी जाए, जो अन्य राज्यों में दी जा रही है, राजस्थान में, दिल्ली में और कई स्टेट है वहाँ नर्सेस को सेकेंड ग्रेड दी जा रही है, पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ एमपी में नहीं है। और उसके उपरांत पुरानी पेंशन जो 2005 से बंद है वो लागू की जाए,
जो बहुत सारे मेल नर्सेस हैं पुराने और जिन्होंने 3 साल की 4 साल की एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग 3.5 साल की है उनकी पदस्थापना की जाए, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने पैसे लगा के पढ़ाई की है, उन्होंने भी तो उनकी पदस्थापना सरकारी कॉलेजों में की जाए, अस्पतालों में की जाए, और जिनकी कोविड के दौरान मृत्यु हो गई है उनको उनकी जगह पे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ताकि उनके परिवार का उनके बच्चे हैं उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जीवन अच्छे से चल सके। और हम लोग को नर्सिंग ऑफिसर क्या नाम है आपका? मेरा नसीमा बेगम। किस पद पे? उपाध्यक्ष।